तो दोस्तों ये रहा हमारे पास यहाँ पे Moto E34 5G और आज की वीडियो में हम जो है इस फोन का ड्यूरेबल टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये फोन हमारा ड्यूरेबल टेस्ट सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। तो अभी मैं बाथरूम में आ चुका हूँ इस फोन का सबसे पहला टेस्ट करने, लेकिन सबसे पहले तो हम फोन को जिससे बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। हमें बस फोन ही चीज थी, हम फोन ही बाहर निकाल लेंगे। सो ये रहा हमारा यहाँ पे फोन, बाकी हमें इससे कुछ नहीं चाहिए, तो इसको रखते हैं साइड में। और आप देखते हैं हमारा फोन एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन अंदर इस टाइम, और इसमें अभी यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं डिस्प्ले को ऑन करूँ, देखिए आप यहाँ टच का एकदम बढ़िया काम कर रही है। और कैमरा को ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे बैक कैमरा भी बढ़िया काम कर रहा है, और यहाँ फ्रंट कैमरा ऑन करूँ तो यहाँ फ्रंट कैमरा भी बढ़िया काम कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, अब इसका जो है स्प्लैश टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका स्प्लैश टेस्ट कुछ होता है कि नहीं होता। तो मैं यहाँ पे टैप वाटर को ऑन करूंगा और अब इसको अच्छे से यहाँ पे वॉश कर दूंगा। वह जब इस फोन ने हमारा वॉटर टेस्ट सर्वाइव कर लिया तो स्प्लैश टेस्ट सर्वाइव करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे ख्याल से इजिली सर्वाइव कर देगा। तो डिस्प्ले तो ऑन ही है, तो आपके सामने इस फोन को जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वॉश कर दिया है और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। तो काफ़ी अच्छे से वॉश हो चुका है, तो मैं पानी को बंद कर देता हूँ और पहले इसको अच्छे झाड़ लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर घुस भी गया हो तो निकल जाएगा ना, तो थोड़ा बहुत वैसे ही झाड़ लेता हूँ इसको मैं। और यहाँ पे अच्छे झाड़ लिया है, और अब मैं इसको चला के दिखूँ तो टच तो यहाँ बढ़िया काम कर रही है, और डिस्प्ले भी ऑन है, डिस्प्ले भी यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे कैमरा को ऑन करूँ तो यहाँ बैक कैमरा भी यहाँ बढ़िया काम कर रहा है, और यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी एकदम बढ़िया काम कर रहा है। और बटन्स की बात करें तो वॉल्यूम अप का बटन काम कर रहा है और वॉल्यूम डाउन का भी काम कर रहा है, दोनों बटन काम कर रहे हैं। और पावर बटन दबाऊँ तो पावर बटन भी हमारा काम कर रहा है। और फ्लैश को भी हम करके देख लेते हैं, तो मैं इसको हिलाऊंगा और ये फ्लैश भी हमारी ऑन होगी, दोबारा हिलाया तो फ्लैश हमारी बंद होगी। तो सब कुछ यहाँ पे ओके है, अभी तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है, फोन हमारा बढ़िया काम कर रहा है। तो अभी इसने हमारा स्क्रैच टेस्ट सर्वाइव कर लिया है, तो अब चलते हैं वापस स्टूडियो के अंदर और वहाँ जाकर करते हैं इसका स्क्रैच टेस्ट। तो मैं वापस स्टूडियो में आ चुका हूँ, स्क्रैच टेस्ट के लिए मैं एक कटर और सिक्के को लेके आया हूँ और देखते हैं कि इसकी मदद से इस फोन के ऊपर स्क्रैच पड़ते हैं कि नहीं पड़ते। तो पहले हम सिक्के देखते हैं डिस्प्ले के साइड कि डिस्प्ले के ऊपर सिक्के स्क्रैच पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। तो मैं सिंपली सिक्के को लेता हूँ और यहाँ पे घिसता हूँ इसके ऊपर और देखते हैं कि सिक्के से स्क्रैच पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे। मैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे घिस रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा दब रही है इस टाइम स्क्रीन, तो मैंने घिस दिया। सो अब देखते हैं इसके ऊपर स्क्रैच पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। पता नहीं यार आपको यहाँ पे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, पर यहाँ पे सिक्के की वजह से स्क्रैचेस पड़ गए हैं, बल्कि अभी मैंने इतना ज़्यादा जोर लगाया भी नहीं है, नॉर्मल जोर लगाया था और उससे भी यहाँ पे हल्के हल्के स्क्रैच पड़ गए हैं। तो मेरे ख्याल से ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में जब मैं इसका ड्रॉप टेस्ट करूँगा ना तभी डिस्प्ले टूट सकती है। तो सिक्के से तो खैर पड़ गए हैं हल्के हल्के स्क्रैचेस के ऊपर, जो ध्यान से देखने पे दिख रहे हैं, मतलब ध्यान से ना भी देखें तब भी डिस्प्ले बंद हो तो दिख जाते हैं। बाकी अब कटर देखते हैं, कटर से इसके ऊपर स्क्रैच पड़ते हैं कि नहीं पड़ते। सिक्के से तो ऑब्वियसली बात है पड़ रहे हैं, तो सिक्के से मतलब जिस जेब में अपन फोन रखोगे ना उसमें सिक्के बिल्कुल मत रखना, क्योंकि स्क्रैच काफ़ी इजीली पड़ जाएंगे। तो कटर देखते हैं कि कटर से इसके ऊपर स्क्रैच पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे। तो मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे घिस रहा हूँ ताकि बार बार घिसने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में पूरा जोर लगा देता हूँ मैं, मतलब नॉर्मल जोर, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। तो यहाँ मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे घिस दिया है मेरे ख्याल से, अब तो पड़ने होते तो शायद पड़ ही गए होंगे स्क्रैच इसके ऊपर। कटर को मैंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी ज़ोर से घिसा, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा माइनर से हल्के हल्के कहीं कहीं स्क्रैच पड़े हैं, मतलब लगभग ना के बराबर ही। तो कटर से तो इतने ज़्यादा स्क्रैच इसके ऊपर नहीं पड़े हैं, लेकिन सिक्के से जो है काफ़ी ईजिली इसके डिस्प्ले के ऊपर स्क्रैच पड़ गए हैं। तो डिस्प्ले के ऊपर स्क्रैच पड़ सकते हैं, काफ़ी ईजिली पड़ सकते हैं अगर आप सिक्के वगैरह किसी पेनी चीज़ को रखोगे, क्योंकि वे तो मैंने थोड़ा सा घुसा, लेकिन जब आपका फोन होगा कहीं बार लगातार घिसता रहेगा और काफ़ी ज़्यादा घिसेगा तो ऑब्वियसली अब तो स्क्रैच पड़ ही जाएंगे, तो इसके ऊपर जो स्क्रैच काफ़ी इजीली पड़ सकते हैं। इसलिए स्क्रैच गार्ड का यूज़ जरूर कर लीजिएगा, उससे आपके फोन की डिस्प्ले सेफ रहने वाली है। सो आप देखते हैं डिस्प्ले की साइड से देख कर लिया हम चेक, आप देखते हैं बैक साइड पर कि बैक साइड पर इसके ऊपर स्क्रैच पड़ते कि नहीं पड़ते, बल्कि इसके बैक साइड पर यहाँ पे वीगन लेदर मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। तो पहले सिक्के देखते हैं, सिक्के से मुझे पता है कि सिक्के से इतने ईजिली इसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ने वाले, पर कटर से काफ़ी ईजिली इसके ऊपर पड़ जाएंगे स्क्रैच। और यहाँ मैं घिसता हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं रबड़ के ऊपर घिस रहा हूँ सिक्के को, तो काफ़ी अच्छे से मैंने यहाँ पे घिस दिया। तो यार मैंने कहा था सिक्के से मुश्किल ही पड़ेंगे, पर फिर भी सिक्के से घिसने पे यार यहाँ कुछ भी पता नहीं लग रहा, हल्का सा देखिए हल्का सा बस निशान पड़ा है, कुछ टाइम बाद शायद नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि यार इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ध्यान से देखने पर भी पता नहीं लग रहा है। हाँ लाइट में कई बार जाए तब थोड़ा पता लग जाए कि हल्का सा इसके ऊपर घिसा हुआ है कुछ, बाकी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन आप देखते कटर से, कटर से सब फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो मैं कटर को इसके ऊपर घिसता हूँ, मतलब पेनिस जो इसके ऊपर घिसता हूँ और इससे तो हाँ देखिए यार इससे तो काफ़ी इजीली मेरे ख्याल से यहाँ कट ही रहा है, देखिए सारा यहाँ पे देखिए रबड़ कट रहा है, पर खैर बाघ जो प्लास्टिक के मुकाबले तो काफ़ी रुका हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, इतना ईजिली जो है इसके ऊपर कट नहीं लग रहा। आपको शायद पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ईजिली यहाँ पे इसके ऊपर कट जो है दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ईजिली इसके ऊपर यहाँ पे कट पड़ रहे हैं पेनी चीज़ों से। तो आप देखते हैं यहाँ पे ये जो हिस्सा है जो कैमरे वाला हिस्सा है क्या यहाँ पे कट पड़ते कि नहीं पड़ते। सो ये घिसा तो ये तो प्लास्टिक का ही है, तो इसके ऊपर देखिए यहाँ पे तो काफ़ी इजीली यहाँ पे कट पड़ रहे हैं। बाकी अगर मैं इसके फ्लैश के ऊपर करके देखता हूँ तो फ्लैश पे पड़ रहे हैं कट,
सो हाँ, फ्लैश के ऊपर भी यहाँ पे काफ़ी इजीली यहाँ पे स्क्रैच पड़ जाएंगे। और देखते हैं कि इसकी फ्रेम, क्योंकि फ्रेम तो इसकी प्लास्टिक की है, तो इस पर तो यहाँ पे काफ़ी इजीली यहाँ पे देखिए कट पड़ रहे हैं यहाँ पे, और नीचे वाली साइड भी सेम ही फ्रेम है, देखिए यहाँ पे भी कट पड़ जाएंगे, और इस साइड भी घिसी डूब गया पूरा। चल कोई नहीं पर यहाँ पे इजीली स्क्रैच पड़ रहे हैं, क्योंकि जो फ्रेम है ना इसकी प्लास्टिक की है, इस पर काफ़ी इजीली यहाँ पे स्क्रैच पड़ जाएंगे। बाकी सिम ट्रे भी करके देख लेते हैं एक बार, तो सिम ट्रे भी जैसे मैं यहाँ पे घिसता हूँ तो हाँ सिम ट्रे पे भी इजीली पड़ रहे हैं, और अगर यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर करके देखें सो हाँ फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर भी इजीली यहाँ पे स्क्रैच पड़ रहे हैं। तो बटन भी यहाँ पे प्लास्टिक की हैं, इनके ऊपर भी यहाँ पे इजीली जो स्क्रैच पड़ जाएंगे, देखिए काफ़ी इजीली इनके ऊपर स्क्रैच पड़ रहे हैं। तो जो फ्रेम है, बटन है, इसके सिम ट्रे का जो स्लोट है उसके ऊपर जो सिम ट्रे ही है मतलब कि, उनके ऊपर काफ़ी इजीली यहाँ पे स्क्रैच पड़ रहे हैं, साथ में इसके ऊपर भी काफ़ी इजीली स्क्रैच पड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इसके कैमरा के, कैमरा जो लेंस है उनके ऊपर स्क्रैच पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, फ्रंट में भी देखेंगे बैक में भी देखेंगे। तो मैं पहले सबके ऊपर जो अच्छे से घिस देता हूँ, इस साथ हमें जो मैक्रो लेंस मिलता है प्राइमरी 50mm कैमरा मिलता है, तो पहले प्राइमरी कैमरे के ऊपर घिसता हूँ मैं अच्छे से, मैं सारी कैमरे के ऊपर पहले अच्छे से घिसी देता हूँ, फिर बाद में चेक करूँगा कि इनके ऊपर स्क्रैच पड़े ही नहीं पड़े। तो यहाँ पे बैक कैमरा, दोनों बैक कैमरा पे तो मैंने घिसी दिया, सो फ्रंट कैमरा पे भी यहाँ पे मैं इस कटर को घिस देता हूँ, फिर देखते हैं चेक करते हैं कि स्क्रैच पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। तो यार कटर से फ्रंट कैमरा के ऊपर तो इतने ज़्यादा स्क्रैच नहीं पड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा हल्के स्क्रैच पड़े हैं, जो पड़े हैं वो भी इतनी इजीली दिख नहीं रहे हैं। लेकिन वहीं अगर इसके बैक कैमरा पे देखें, जो बैक कैमरा पीछे ग्लास लगा हुआ है, तो उसके ऊपर यहाँ पे जो काफ़ी इजीली स्क्रैच पड़ गए और काफ़ी गहरे, और नॉर्मली देखने पे भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि इसके ऊपर स्क्रैच पड़ गए हैं। बाकी अगर मैं फ़ोन को यहाँ पे ऑन करके इसके कैमरा को ओपन करके दिखाऊं आपको, तो उसमें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं कैमरा को ओपन करके बताता हूँ कि तो यहाँ पे बैक कैमरा मैंने ओपन करा तो यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी तो खैर नहीं पड़ रहा है, और फ्रंट कैमरा भी बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन जो इसका जो बैक कैमरा का जो दोनों लेंस है ना, इनके ऊपर काफ़ी इजीली जो स्क्रैच पड़ रहे हैं। तो खैर अभी इसका स्क्रैच टेस्ट तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है, आप देख लीजिए क्या रिजल्ट रहा है। तो अब ये टेबल वगैरह कुछ यहाँ पे साइड करते हैं इसका ड्रॉप टेस्ट करने के लिए। तो अभी मैंने टेबल को तो यहाँ पे साइड कर दिया है इस फोन का ड्रॉप टेस्ट करने के लिए, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए हमारा फोन फ्रंट साइड से एकदम ओके है, बैक साइड से भी एकदम ओके है। डिस्प्ले को यहाँ पे ऑन करूँ तो देखिए डिस्प्ले भी यहाँ बढ़िया काम कर रही है, बाकी कैमरा तो आपने पहले ही देख लिया है, सब कुछ यहाँ पे ओके है। तो पहले हम इस फोन का कवर के साथ ड्रॉप टेस्ट करेंगे, फिर करेंगे बिना कवर के। तो हमें इस फोन के साथ तो यहाँ पे कोई भी कवर नहीं मिला है, तो मेरे पास यहाँ पे एक कवर पड़ा था जो मोटो जी 54 5G का है, जिसके ऊपर थोड़ा ठीक ठाक फिट हो रहा है, तो मैं इसी को लगा के इसका ड्रॉप टेस्ट करने वाला हूँ कवर के साथ। तो पहले इसको मैं अच्छे से यहाँ पे इसके ऊपर फिट कर देता हूँ, तो बहुत अच्छे से फिटिंग तो नहीं हुई है लेकिन हमारा काम चल जाएगा इससे, तो कुछ हद तक तो बढ़िया फिटिंग हो गई है। तो अब करते हैं इसका ड्रॉप टेस्ट कवर के साथ और देखते हैं इसका क्या हाल होता है। तो थोड़ा पीछा हो जाता हूँ ना यहाँ पे, तो पहले हम इस हाइट से करेंगे, जब हम जो है फ़ोन यूज़ कर रहे हों या जेब से निकाल रहे हों उस टाइम हमारा फ़ोन गिर जाए तो क्या बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा कवर के साथ। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले डिस्प्ले की साइड से गिरते हैं यहाँ से इस हाइट से। तो ये रहा, मैंने गिर दिया और आप यहाँ देख सकते हैं अभी तो हमारे फ़ोन को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम ओके है हमारा फ़ोन, टच वगैरह एकदम बढ़िया काम कर रही है। जब भी कोई दिक्कत आएगी मैं आपको पास लाके दिखा दूँगा कि ये दिक्कत आई है इस टाइम, तो फिलहाल तो ओके है, मैं ड्रॉप टेस्ट को कंटिन्यू रखता हूँ। तो पहले क्या करूँगा, डिस्प्ले साइड से हो गया तो अब गिरते हैं इसको बैक साइड से इसी हाइट से। तो यहाँ मैंने गिर दिया यहाँ से, और गिरने के बाद मुझे लगता है अभी तो कुछ नहीं हुआ होगा इसमें, तो अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, डिस्प्ले एकदम ओके है। मैं ओपन कर दूँ टच भी यहाँ पे बढ़िया काम कर रही है। तो अब हमने नीचे वाली साइड के डिस्प्ले साइड से भी गिर दिया, तो हम गिरते हैं इसको अब इस निचले वाली साइड से गिर देते हैं इस हाइट से ही। तो अब यहाँ से गिरा मैंने कवर के साथ, तो निचली साइड से भी गिर दिया हमने, और यहाँ पे ओपन करा तो अभी भी ये ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो अब गिरते हैं इसको ऊपर वाली साइड से, ये लास्ट ड्रॉप है हमारा इस हाइट से कवर के साथ। तो हम गिरते हैं इसको इस हाइट से, ये लास्ट ड्रॉप है, तो गिर दिया ठीक है। और अभी भी हमारा फ़ोन में पास लगे जाता हूँ, देखिए अभी भी हमारा फ़ोन एकदम ओके है, अभी भी इसमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है। और डिस्प्ले भी यहाँ पे देखिए एक भी क्रैक नहीं है, और बैक साइड से भी एकदम ओके है। सो फिलहाल तो इसने हमारा मतलब जो न्यूमल ड्रॉप टेस्ट कवर के साथ इस हाइट वाला, नॉर्मल हाइट वाला जब जेब से निकाल रहे हो तो वो तो इसने सर्वाइव कर लिया। तो अब क्या करते हैं, आप इसकी हाइट बढ़ाते हैं और फिर गिरते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी कुछ होता है कि नहीं होता। तो आप क्या करें, जब हम फ़ोन में बात कर रहे हो उस टाइम बाई चांस हमारा फ़ोन नीचे गिर जाए कवर के साथ, तो क्या ये बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा वो चेक करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो हम डिस्प्ले की साइड से गिरते हैं इसको, इस हाइट से गिरेंगे इस बार, तो डिस्प्ले की साइड से इस हाइट से, और गिरा बहुत जोर के गिरा मुझे लगता है इस बार शायद से टूट सकता है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर के बजाय नीचे, और बच गया
एक भी क्रैक नहीं आया यार, पर जिस हिसाब से गिरा था ना मुझे लगा कि शायद टूट जाएगा। जिसको अनलॉक करता हूँ मैं। सो यार टच भी बढ़िया काम कर रही है, मैं पास लगा दिखाई दूँ इस बार तो आपको यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर गिरा, मुझे बहुत ज़ोर की आवाज़ आई। देखिए टच तो यहाँ बढ़िया काम, टच में यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। और डिस्प्ले को यहाँ पे मैं अगर ऑफ करूँ तो देखिए डिस्प्ले भी एकदम ओके है और बैक साइड से भी एकदम ओके है। सो यार सर्वाइव कर लिया, थोड़ा मजबूत तो है ही है। खैर जब बिना करके ड्रॉप टच करेंगे ना उस टाइम शायद से टूट सकता है, खैर उस टाइम लग गया पता। पहले इसके बाकी ड्रॉप करते हैं। आप डिस्प्ले साइड से गिर दिया, आप गिरते हैं इसको बैक साइड से इसी हाइट से। अब तो बहुत जोर जोर की आवाज़ आ रही है, जिस हिसाब से मैं गिरा मुझे लगता है शायद किस दिन ना ये वाली टाइल ही टूटेगी यहाँ पे। और आप भी कमेंट में बोल रहे थे हाँ मुझे पता है कि मैंने बहुत टाइम से इसका ड्रॉप टच नहीं करा था, पर यार मैं डिमोटिवेट हो गया था इस चैनल के ऊपर और वीडियोज बनाने के लिए, इस चक्कर में मैंने नहीं बनाया। पर मैं जब फ़ोन आया हुआ है तो बना ही देता हूँ, तो बना ही रहा हूँ। फिलहाल अभी हमारा फ़ोन एकदम ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है, टच वगैरह बढ़िया काम कर रही है और डिस्प्ले भी एक भी क्रैक नहीं है, बैक साइड से भी ओके है। तो फ्रंट और बैक साइड से तो हो गया, अब गिरते हैं इसको नीचे वाली साइड से इसी हाइट से कवर के साथ। प्रॉपरली नहीं गिरा यार, दोबारा गिरते हैं। आप गिरा प्रॉपरली, सो सही है ना? हाँ सही है। सो, अभी भी यहाँ पे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, टच बढ़िया काम कर रही है, डिस्प्ले पे एक भी क्रैक नहीं आया है और बैक साइड से भी एकदम ओके है। सो, अब बस हमारा एक लास्ट ड्रॉप बचा है कवर के साथ, तो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब गिरना हमें ऊपर वाली साइड से इसी हाइट से। सो, ये मैंने ऊपर वाली साइड से भी गिर दिया। सो, अभी भी यहाँ पे हमारा फ़ोन मैं पास ले जाता हूँ ना। सो, अभी भी देख सकते हैं हमारे फ़ोन के ऊपर एक भी क्रैक नहीं है। यहाँ पे डिस्प्ले बंद हो जाए यार, हाँ बंद होगी। हाँ डिस्प्ले के ऊपर देखिए एक भी क्रैक नहीं है, बैक साइड से भी एकदम ओके है। डिस्प्ले को मैं यहाँ पे ऑन करूँ तो टच भी देखिए यहाँ पे बढ़िया काम कर रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो कवर के साथ तो हमारा फ़ोन सेफ है, इसमें अभी तक तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई है। सो अब क्या करते हैं, अब इसके कवर को जो है निकाल देते हैं और अब करते हैं इसका बिना कवर के ड्रॉप टेस्ट, फिर देखते हैं इसका क्या हाल होता है, क्या सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कवर के साथ तो इसने सर्वाइव कर लिया, तो मैं वापस चलता हूँ पीछे को और अब करते हैं इसका बिना कवर के ड्रॉप टेस्ट। सो पहले जेब से निकालते हैं ना, इसी हाइट से गिरता हूँ, तो पहले डिस्प्ले की साइड से गिर देता हूँ इसी हाइट से। तो ये मैं डिस्प्ले की साइड से गिरा यहीं से, इतनी आवाज़ आ रही है, जब मैं ऊपर से गिरूँगा तो कितनी आवाज़ आएगी शायद तब तो टूट ही जाए, पर अभी तो सेफ है, हमारा फ़ोन एकदम ओके है, टच भी यहाँ बढ़िया काम कर रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो डिस्प्ले की साइड से बच गया, अब गिरते हैं इसको बैक वाली साइड से। कैमरा लेंस भी ओके है ना? हाँ कैमरा लेंस भी ठीक है। तो अब गिरते हैं इसको बैक साइड से इसी हाइट से। मैं थोड़ी हाइट ऊपर इसलिए रख रहा हूँ ना कि कई बार होता है कि हम फ़ोन को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ से भी गिर जाता है, इसलिए मैं थोड़ा यहीं पे रख रहा हूँ हाइट को। तो मैंने गिरा, सो डिस्प्ले तो ओके है, मैं इसको यहाँ पे अनलॉक करूँ तो हमारा फ़ोन भी टच, मतलब टच भी बढ़िया काम कर रही है और यहाँ पे बैक साइड से भी एकदम ओके है। ठीक है, तो अब दो ड्रॉप बचे इस हाइट से, नीचे वाली हाइट से मतलब की। तो अब गिरते हैं इसको नीचे वाली साइड से इसी हाइट से, और ये गिर दिए नीचे वाली साइड से। सो अभी भी यहाँ पे डिस्प्ले पे एक भी क्रैक नहीं है, अनलॉक करूँ तो यहाँ पे टच भी यहाँ पे बढ़िया काम कर रही है और बैक साइड से भी एकदम ओके है। ठीक है, तो अब बचा इसका लास्ट ड्रॉप नीचे वाली हाइट से, फिर बढ़ाते हैं इसकी हाइट और अब देखते हैं कि बचता है कि नहीं बचता। तो ऊपर साइड से गिरते हैं इसको इसी हाइट से यहीं से, तो फटाफट से गिर देता हूँ मैं। तो ये ऊपर साइड से भी मैंने गिर दिया। सो अब देखते हैं पास लगा के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए हमारा फ़ोन यहाँ पे अभी भी एकदम ओके है, एक भी क्रैक नहीं आया अभी तक, तो इसमें कोई भी क्रैक नहीं आया और बैक साइड से भी एकदम ओके है। मैं यहाँ पे इसको अनलॉक करूँ तो देखिए टच भी एकदम बढ़िया काम कर रही है। तो खैर अभी तक तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है, अभी तक तो ये सर्वाइव कर गया, तो एक्चुअली बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब हाइट बढ़ाते हैं फिर देखते हैं कि सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता, और अभी सर्वाइव कर गया तो सच में यार बिल्ड क्वालिटी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैं पीछे आता हूँ, हाइट बढ़ाता हूँ और अब गिरते हैं इसको इस हाइट से। तो पहले डिस्प्ले की साइड से गिरता हूँ मैं इस साइड से, तो डिस्प्ले की साइड से ऊपर वाली हाइट जब हम फोन में बात कर रहे हो उस टाइम गिर जाए तब, तो डिस्प्ले की साइड से गिरता हूँ मैं। तो ये मैंने गिरा यहाँ पे, काफ़ी जोर गिरा यार लेकिन बच गया यार, बच गया फोन, बच गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले एकदम ओके है, बढ़िया काम करिए, टच भी एकदम बढ़िया काम करिए। डिस्प्ले को बंद करो, देखिए यहाँ पे एक भी क्रैक नहीं है। जब कोई दिक्कत आई है मैं पास लगा दिखा दूंगा, अभी कोई भी क्रैक नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसलिए पास लगा नहीं दिखा रहा। तो बैक साइड से भी एकदम ओके है। सो अब क्या करते हैं, डिस्प्ले की साइड से गिर दिया, अब गिरते हैं इसको बैक वाली साइड से इसी हाइट से। तो यहाँ से मैंने बैक साइड से गिरता हूँ, गिर दिया। सो अभी भी यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, बैक साइड से भी एकदम ओके है, डिस्प्ले पे भी एक भी क्रैक नहीं है यहाँ पे, और डिस्प्ले को अनलॉक करूँ तो टच भी एकदम बढ़िया काम कर रही है। तो यार
एक्चुअली में काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी, इतनी इजीली नहीं टूट रहा है। तो खैर अभी भी इसके दो ड्रॉप बचे हैं, तो उम्मीद है शायद टूट भी सकता है। तो खैर अब गिरते हैं इसको नीचे वाली साइड से, इस हाइट से ही, मतलब उसी हाइट से ही, नीचे वाली साइड से। तो ये मैंने गिरा काफ़ी जोर जोर की आवाज़ आ रही है किसी दिन तो टाइल टूटेगी, पक्का टूटेगी किसी दिन टाइल ये। खैर अभी तो यहाँ पे हमारा फ़ोन एकदम ओके है, बैक साइड से भी ओके है, डिस्प्ले पे एक भी क्रैक नहीं है और यहाँ पे टच भी एकदम बढ़िया काम कर रही है। तो हमने सारे के सारे ड्रॉप कंप्लीट कर लिए हैं, बस एक लास्ट ड्रॉप बचा है, देखते हैं कि ये सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो अब गिरते हैं इसको ऊपर वाली साइड से, ये हमारा लास्ट ड्रॉप है और मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ये गिरा मैंने इसको नीचे, गया। ओ शिट यार, ये लास्ट ड्रॉप था यार, लास्ट ड्रॉप था, बस ये सर्वाइव कर लेता तो बच जाता, बट यार ये लास्ट ड्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाया। देखिए यार हल्के मतलब यहाँ से टूट चुका है हमारा फोन, बल्कि ये लास्ट ड्रॉप था और ये सर्वाइव कर सकता था। बाकी डिस्प्ले की टच तो ठीक है, टच में कोई दिक्कत नहीं, टच तो एकदम बढ़िया काम कर रही है और बैक साइड से कहूँ तो बैक साइड से भी एकदम ओके है। लेकिन यार डिस्प्ले को जैसे बंद करता हूँ ना यहाँ पे, तो देखिए यार यहाँ से डिस्प्ले ये चीज़ टूट चुकी है, इधर से भी काफ़ी सारे क्रैक्स आ गए हैं, लेकिन 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 फ़ोन की डिस्प्ले अभी भी यहाँ पे देखिए काम कर रही है, टच एकदम बढ़िया काम कर रही है। वहीं अगर मैं इसके कैमरा को ओपन दिखाऊं ना, देखिए मैंने कैमरा को ओपन करा तो यहाँ पे बैक कैमरा भी बढ़िया काम कर रहा है और अगर फ्रंट कैमरा तो फ्रंट कैमरा भी यहाँ बढ़िया काम कर, फ्रंट कैमरा में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फ़ोन लगभग यहाँ पे सर्वाइव कर चुका है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है, बस हाँ लास्ट ड्रॉप में जो है इसकी डिस्प्ले टूट गई ऊपर से, बस यही एक दिक्कत है, बाकी तो सब कुछ यहाँ पे ओके है। इसने हमारा फ़ोन मतलब इस फ़ोन ने हमारा यहाँ पे ड्यूरेबल टेस्ट लगभग लगभग सर्वाइव कर लिया है, बस ये लास्ट ड्रॉप भी सर्वाइव कर लेता ना तो सच में मज़ा आता। लेकिन इस फ़ोन की एक्चुअली में बिल्ड क्वालिटी सच में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोन तो मेरे कवर के साथ भी टूट जाते हैं और बिना कवर के तो पहले ड्रॉप में लगभग टूट जाते हैं, लेकिन ये फ़ोन तो फिर भी लास्ट ड्रॉप में टूटा है और अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि यूजेबल तो अभी भी है हम, क्योंकि टच वगैरह कुछ काम कर रही है, टच में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, बस डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले की जो ग्लास है ना वो टूट चुका है, बस उसी में दिक्कत है, बाकी हमारा फ़ोन अभी भी यहाँ पे काम कर रहा है। सो मुझे यार अब बताओ कि अभी तो सर ड्यूरेबल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अब मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि मैं इसका एक्सट्रीम ड्रॉप टेस्ट करूँ कि ना करूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ पर शायद कर ही दूँ मैं, अगर आप नीचे कमेंट में जो बताओगे। तो फिलहाल तो अभी इसका ड्यूरेबल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसने ये सर्वाइव भी कर लिया क्योंकि अभी भी काम कर रहा है। और अगर आप ये फ़ोन लेने की सोच रहे हो तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन सच में प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है और बिल्ड क्वालिटी तो आपने अभी देख ली किस तरह की बिल्ड क्वालिटी है। हाँ इतना इजीली ये फ़ोन नहीं टूटने वाला, पर फिर भी आपको जो अपने फ़ोन को सेफ रखना है तो इसके ऊपर ग्लास गार्ड और एक कवर ले लीजिए इसके लिए, उसके बाद आपके फ़ोन को कुछ भी नहीं होने वाला। तो दोस्तों फिर बस आज इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।